घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। कौन से गांव से आए हैं, आपका नाम क्या है, घटना क्या है, क्यों आप यहां पर एसपी ऑफिस में आए हो? नाम मेरा कमल है साहब, जाति चमार, रहना भगावा, हलवा थाना लगता है सर। ठीक है। मैं बुधवार 9 बजे सुभाष राठौड़ मेरे घर गया और मुझे कहा कि तूने हमारे बिगर पक्ष में हमारे बिन कारण ही दवा दी के आया कोर्ट में, तू रह नहीं सकता गांव में, जाति चमार का गाली गलौज करी और मेरे परिवार को कहा कि इसको हेड दो नहीं तो तुमको भी नहीं रहने देंगे, साले तुम्हारा भी नहीं कुछ गांव में ठिकाना रहेगा। तो साहब मैं निकल के आया, थाने में भी गया, मैं रिपोर्ट नहीं ली। तो आपका परिवार कहाँ है? परिवार भगाव में। कौन कौन है परिवार में? छोरा है, बहू है। छोरा है, बहू है, हाँ। कुल कितने बच्चे हैं आपके? कुल बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं, 2 नाती हैं मेरे। तो उन्होंने कुछ नहीं विरोध किया उस बात? वो तो बहुत डरते हैं साहब, भैया जी डरते हैं। तो उन्होंने भी आपको घर से निकाल दिया? अरे तो निकाल दिया, बोले तुमको खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, मैं बुधवार से निकलाऊंगा। तो आपकी आप यहाँ शिकायत बच्चों की करने आए हैं या सुभाष राठौर? सुभाष राठौर की करूँगा। अच्छा, उसके माध्यम से। तो आप उसी गाँव में कितने साल से रह रहे हैं? उसी गाँव में मैं कम से कम 50 साल से रह रहा हूँ। 50 साल से रह रहे हो? तब सुभाष राठौर ने नहीं बोला आपको? नहीं। और अभी क्यों बोला? अभी ये कारण बना नहीं, वो कोर्ट में मैंने गवाह दे दी। वो किसकी गवाही दे दी? वो रामपारी भाई कोरकनी है, जाट की आदिवासी है। तो उसमें सुभाष राठौर का क्या था मामला? उसके उनने मारी ठोकी थी वो भाई को। अच्छा, मारा था, मारा तो था। आपने उनके विरुद्ध गवाही दे दी थी? उनके विरुद्ध मैंने गवाह दे दी। अच्छा, इसी बात को लेके आपको डराया? खेती बाड़ी से झगड़ा था, भाई की खेती को कब्जा कर रखा। अच्छा, तो वो ट्रैक्टर घुमा रहे थे तो वो भाई रोकने गए, उसके कूठे उखाड़ दिए वो ट्रैक्टर। तो भाई ने कहा कि भैया मेरी जमीन गरीबनी की इतनी है। तो बोल मिला के मतलब आपने क्योंकि उस भाई के पक्ष में गवाही दे दी, इसलिए उन्हें आपको धमकाया? धमकाया। अच्छा, ये बात। तो अब आप कहाँ ये बैग वैग लेकर जा रहे हैं? अब साहब मैं तो मेरी छोरी का यहाँ जाऊँगा। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? अब आप यही चाहते हैं कि जो भी आप मैंने रिपोर्ट करी है माध्यम से उसको दंडित करो, नहीं करो मैं क्या करूँ, आपको भी दे दी मैंने। अच्छा, ये बात। तो आपकी आप थाने गए थे? हाँ, थाना गया था। कौन सा थाना लगता है आपका? हलवा थाना। ये भैया बोलो आप गए थाने में, क्या हुआ फिर बताएं, थाने में क्या हुआ? थाने में हुआ, दादा बैठ जाओ, तुम कहाँ से आए? इनकी भगवान से आए। अच्छा, सुभाष सर की बोले 3-4 इफायर जर्द है, मैं तुम पढ़ा लिखा नहीं भैया। अच्छा, उनने ही बतलाया मैडम, उनने जो रिपोर्ट लिखती वो कि दादा एक काम करो, हम उनको फोन लगाएंगे जब भी, इसके बाद में बात करेंगे, तुमसे बैठ जाओ। तो उनने फोन लगा के पूछा, उनने कहा कि दादा रिपोर्ट नहीं करेंगे, करेंगे ऐसे करके मेरे को शाम हो गई, मेरे को कहा ये हिसाब से कहा साहब मैंने ये गवाह दी थी इस बार। अरे दादा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अब फिर भेजा तो फिर आप थाने से निकल आए? निकल आया, मैं आ गया। अच्छा, तो टीआई साहब ने अच्छे से बात किया? हाँ, नहीं अच्छी बात करी टीआई साहब। तो रिपोर्ट नहीं लिखी आप? हाँ, रिपोर्ट के आप बिना मतलब ये इंतजार कर नहीं, करके निकल आए? के लिए तो मैं बोल रहा हूँ उनको। अच्छा, एक रिपोर्ट मेरी ले लो। हाँ, लिख लो, कल को मेरी जान पे खतरा है, कल मेरी जान भी जा सकती है। नहीं तो शिकायत दर्ज हुई आपकी? शिकायत लिखित में शिकायत ली थी आपसे? नहीं, लिखित में मैंने क्या भैया दी थी? नहीं, आवेदन दे दिया थाने पे? थाने पे आवेदन दे दिया आपने? अच्छा ठीक है, क्या नाम बताया आपने? कमल। पिता? लीमिया। शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगीय धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना? संपर्क नितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206।